मर्डर के मुकदमे में वांटेड था। करीब 25,000 रुपये का इस पे इनाम भी था। सीआईए की टीम ने जो है इसको अरेस्ट किया। नुह सीआईए पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामी बदमाश को अवैध देसी पिस्टल व 3 कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मदन उर्फ सोनू पुत्र भीम सिंह निवासी अग्रोला जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ग्रुप में की गई है। वहीं यह जानकारी नुह के डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने दी है। उनका कहना है कि सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार अपराध जांच शाखा नुह अपनी टीम के साथ क्राइम गश्त पर मौजूद थे। वहीं दिल्ली अलवर रोड से फिरोजपुर झिरका की तरफ यह जा रहा था। उसी समय बस स्टैंड नुह के सामने एक संदिग्ध शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी की गाड़ी को देखकर तेज कदमों से बस स्टैंड की तरफ जाने लगा, जिसको शक के आधार पर काबू किया गया। तो नाम पता पूछा गया तो मदन उर्फ सोनू पुत्र भीम सिंह निवासी अग्रोला थाना ट्रॉनिका सिटी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बतलाया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल मैगजीन सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं आपको बता दें कि आरोपी उत्तर प्रदेश के एक आरोप में 25,000 रुपये का इनामी घोषित था, जिस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी गई है। आप देख रहे हैं नुहमेवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मदन और सोनू अग्रोला जिला गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसको हमारी सीआईए नुह की टीम ने अरेस्ट किया था। और ये जो है यूपी गाजियाबाद में मर्डर के मुकदमे में वांटेड था। करीब 25,000 रुपये का इस पे इनाम भी था। सीआईए की टीम ने जो है इसको अरेस्ट किया। तो इससे जो है 1 कंट्रीमेड पिस्टल और 3 जो है कार्टेज बरामद हुए, जिसको कोर्ट में पेश कर दिया।